जीन रेगुलेशन इन यूकेरियोट्स ऑकर्स एट वेरियस लेवल्स, जैसे कि हमने देखा बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं यूकेरियोट्स में, ऑल्सो इन प्रोकेरियोट्स। अगर हम यूकेरियोट्स की बात करते हैं तो वी हैव सीन लॉट्स ऑफ प्रोसेसेस दैट आर डन टू फॉर्म ए प्रोटीन। इन द स्टार्ट वी हैड सीन इन व्हाट मैनर रेप्लिकेशन वॉज देयर एंड व्हाट वॉज ट्रांसक्रिप्शन एंड व्हाट वॉज स्प्लाइसिंग एंड आफ्टर दैट वी हैड स्टडीड इन डिटेल अबाउट दिस ट्रांसलेशन प्रोसेस, दैट इज हाउ दी प्रोटीन फॉर्मेशन वॉज देयर। अब ये सब प्रोसेसेस ऐसे हैं, दे ऑलवेज नीड ए सम अनदर रेगुलेशन ऑफ जीन्स टू एक्सप्रेस देम सेल्फ। आई मीन टू से कि देयर इज ऑलवेज ए रेगुलेटरी सेट ऑफ जीन्स टू कंट्रोल दीज प्रोसेसेस। तो बहुत सारे प्रोसेसेस हमने पढ़े, कौन कौन से प्रोसेसेस थे? वी हैड स्टडीड अबाउट दी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे स्टडी किया, और वी हैड ऑल्सो स्टडीड अबाउट दी स्प्लाइसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ हीट्रोजेनस आरएनए। इसकी भी रेगुलेशन के लिए देयर इज ए नीड ऑफ जीन्स हीट्रोजेनस आरएनए एंड अगेन वेरियस अदर लेवल्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन व्हेन मैसेंजर आरएनए इज कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस से बाहर आता है बनकर, कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस, then there is a need of regulation also. Again there occurs during the regulation occurs during the translation process, translation process ke dauran, translation process ke dauran bhi kya, during this process there is a need of gene regulations, or there are a set of genes that are required to regulate all these processes. In sab processes ko regulate karne ke liye zaruri hoti hain. Lekin ab hum dekhte hain ki whenever there is a gene regulation, then what are various sequences of these genes, in genes ka kis tarah se, wo kaun se regulatory genes hai, in what manner they are arranged, that we will be studying them with the help of a gene regulation in case of bacteria or prokaryotes. And we will of course take the Escherichia coli bacteria, and which is a better suited for the genetical research work, or to see the genetical effects or gene regulation effects that are undergoing in the Escherichia coli during the formation of messenger RNA. वो अब हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दें कि वेन एवर देयर इज़ ए जीन रेगुलेशन ऑकरिंग इन ऑर्गेनिजम्स, जब भी जीन रेगुलेशन की कब ज़रूरत होती है, जब कोई भी प्रोसेस होना होता है तभी तो होती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, इफ़ देयर इज़ ए बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम इज सीक्रेटेड बाय द Escherichia coli, वाई देयर इज़ ए नीड ऑफ सीक्रीशन ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ी Escherichia coli को? बिकॉज ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस ऑफ लैक्टोस, लैक्टोस को जब भी Escherichia coli में इंट्रोड्यूस, वेन एवर इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, तो देयर वॉज ए नीड टू डाइजेस्ट दैट लैक्टोस, तो तभी वो सीक्रेट हुआ। तो उस सीक्रीशन के दौरान बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की सीक्रीशन क्यों जरूरत हुई? जब इंड्यूसर वॉज प्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या है? वेन एवर देयर इज सम काइंड ऑफ एनवायरमेंट, फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंट और मेटाबॉलिक सेट ऑफ़ दी एनवायरमेंटल कंडीशंस, और जो भी बैक्टीरिया के चारों तरफ मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल वॉट एवर कंडीशंस आर देयर, एंड दे विल डिसाइड द एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन, वही डिसाइड करती हैं कि वेदर ए जीन विल बी एक्सप्रेस्ड और इट विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड। अगर ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं एक्सप्रेस होगा, एंड इफ़ इट इज़ नीडेड तो वो एक्सप्रेस होगा। जैसे कि ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ ड्यूरिंग द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो हमने अभी पहले पढ़े हैं। तो इसी के तरह वी हैव टेकन एन अनदर एग्जाम्पल इन विच वी हैव सीन वेन एवर एन ह्यूमन एम्ब्रियो इज चेंजिंग इन टू द एडल्ट, इन वॉट मैनर देयर इज़ ए डिफ्रेंशिएशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑकरिंग इज ऑकरिंग, एंड देयर इज ऑलवेज ए रेगुलेटरी सेट ऑफ जीन्स दैट आर रेगुलेटिंग ऑल दीज प्रोसेसेस, इन प्रोसेसेस को रेगुलेट करने के लिए, ताकि वो बिल्कुल नॉर्मल तरह से डेवलपमेंट हो, कोई एबनॉर्मल ना हो। इफ देयर इज एबनॉर्मल देन वॉट एबनॉर्मल एक्सप्रेशन देन वॉट कैन हैपन, एबनॉर्मेलिटी कैन ऑकर
occur in growth and development of an organism, और जब भी वो embryo adult में change होता है. ये सब हम पहले मैंने बता चुकी हूँ आपको, तो अब हम start करने जा रहे हैं. How does gene regulation occurs in case of prokaryotic bacteria with the example of a lac operon. क्या होता है lac operon? It is a set of regulatory genes. Lac operon इन प्रोकैरियोट्स, अगर हमने जीन रेगुलेशन को स्टडी करना है तो सिंपली बाय मींस ऑफ वी कैन स्टडी इन केस, वी कैन अंडरस्टैंड बाय स्टडिंग देम इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ओनली. प्रोकैरियोट्स सच एज इसरिचिया कोलाई का एग्जांपल लेंगे और उसको हम स्टडी करेंगे. तो व्हाट इज ए लैक ऑपरोन? इट इज ए सेट ऑफ रेगुलेटरी जीन्स to control some expressions or expression we can say to explore some processes जो भी हमने बताए हैं. तो we will be studying in prokaryotes lac operon को हम study करेंगे at the transcription level, कि in what manner transcription is going on. जैसे कि transcription के लिए what we have studied, transcription के लिए there is a major enzyme which is called the RNA polymerase. RNA polymerase कब बनेगा and in what manner it is forming the, whenever it is forming the messenger RNA, वो होगा. All this is regulated by the various regulatory genes. I mean to say the accessibility of RNA polymerase to reach the promoter site or to reach the structural genes so that they are able to transcribe the gene expression of structural genes such as Z, Y and A. वो जितने भी genes हैं उनकी वो कैसे express करेंगे और कैसे वो enzyme को secrete करेंगे, all this depend upon the, किसके ऊपर depend करता है? Depends upon the set of regulatory genes. They are in approach with this RNA polymerase enzyme. RNA polymerase को approach करेंगे, यानी कि RNA polymerase की accessibility किस पर depend करती है? इन regulatory genes की working के ऊपर, कि whether it has to reach the promoter site to start the process or to start the transcription for the formation of messenger RNA with the help of structural genes or it has not to be formed. कि इसने बनना है या नहीं बनना, ये किस पर depend करता है? इसकी accessibility, यानी कि इसकी इंटरेक्शन विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटरी जीन्स. वो रेगुलेटरी जीन्स क्या है वो हम देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द लैक ऑपरॉन वाज, जैसे कि लैक इज ए स्पेसिफिक नेम विच इज रिलेटेड टू द लैक्टोज. किससे रिलेटेड है? लैक्टोज की रेगुलेशन के लिए, यानी कि लैक्टोज की डाइजेशन के लिए एक सेट ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, वो कैसे इंट्रोड्यूस किए गए हैं. और स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं हर ऑपेरॉन में, जैसे कि देयर आर सम स्पेसिफिक प्रोटीन्स. जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि लैक ऑपरॉन के लिए स्पेसिफिक रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं, और जैसे एग्जांपल अभी हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक ऑपरेटर, और वही स्पेसिफिक ऑपरेटर के साथ वी विल बी स्टडिंग स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिप्रेसर. ये सब चीज़ें क्या हैं ये भी आपको बताएंगे, ठीक है. रिप्रेसर यानी कि हर प्रोसेस के लिए, हर सेट की रिक्वायरमेंट के लिए, उसके लिए देयर आर सम स्पेसिफिक रेगुलेटरी जीन्स. स्पेसिफिक होते हैं और स्पेसिफिक रेगुलेटरी जीन्स में मैंने आपको बताया स्पेसिफिक ऑपरेटर जीन है, और स्पेसिफिक ही वो क्या बना रहा है ऑपरेटर जीन स्पेसिफिक रिप्रेसर के साथ. लैक्टोज के लिए स्पेसिफिक रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा जो एक प्रोसेस को या तो पॉजिटिव वे में काम करेगा या वो नेगेटिव वे में काम करेगा. तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड. इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया में देखने को मिले हैं ऑपरॉन, जैसे कि हिस्टिडीन का एग्जांपल ले सकते हैं, एरानीन का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, और ट्रिप्टोफैन का एग्जांपल ले सकते हैं. आई मीन टू से ऑल दीज आर डिफरेंट अमीनो एसिड्स और डिफरेंट ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स, एंड ड्यूरिंग देयर डाइजेशन व्हाट वी कैन सी दे आर हैविंग
सम स्पेसिफिक सेट ऑफ रेगुलेटरी जीन्स, इनके सबके स्पेसिफिक हैं। हिस्टीन के लिए स्पेसिफिक ऑपरेटर, स्पेसिफिक रेगुलेटर होगा, एरानीन के लिए भी, ट्रिप्टोफैन के लिए भी, एलानीन के लिए भी, और भी बहुत सारे हम प्रोटीन अगर लेना तो उन सब के लिए स्पेसिफिक ऑपरेटर और स्पेसिफिक रेगुलेटर या स्पेसिफिक रिप्रेसर प्रोटीन्स होंगे, जो हम बाद में देखेंगे कि विद दी एग्जाम्पल डिटेल तो हमने इसकी पढ़नी है ना। इसी तरह की हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हो सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर, इन सब की डाइजेशन के लिए या इन सब की वर्किंग के लिए सेट ऑफ रेगुलेटरी जीन्स, एंड दे आर एंटायरली स्पेसिफिक फॉर ए स्पेसिफिक प्रोसेस। स्पेसिफिक होंगे तो दिस थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट, देयर वर टू साइंटिस्ट, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ए लॉट, दे टुक इंटरेस्ट एंड दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लैक ऑपरॉन आफ्टर स्टडिंग दैम इन टू द इसरिचिया कोलाई। तो साइंटिस्ट के क्या नाम थे? फ्रेंकोइस, जैकब विवा, ही वॉज ए जेनेटिस्ट, जेनेटिस्ट था जो जीन्स वगैरह को स्टडी करते हैं। दे आर एंड देयर वॉज ए जैक्यू मोनर्ड, जैक्यू मोनर्ड बायोकेमिस्ट, जो बायोकेमिकल कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। एंड दे वर्क टूगेदर टू एल्यूसीडेट द प्रोसेस ऑफ द लैक ऑपरॉन, कि किस तरह से लैक ऑपरॉन बैक्टीरिया के अंदर किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। इन 1961 में दे इंट्रोड्यूस्ड एंड 65 में दे गॉट द नोबल प्राइज ऑल्सो फॉर द एल्यूसीडेशन ऑफ दिस लैक ऑपरॉन, नोबल प्राइज भी इनको मिला, ठीक है। तो दिस दे वर द साइंटिस्ट, दे डिजर्व मेंशन और दे इंट्रोड्यूस द लैक ऑपरॉन कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि लैक ऑपेरॉन होता क्या है। इतना हम बोल रहे हैं लैक ऑपेरॉन, ऑपेरॉन इज रिलेटेड विद ऑपरेटर, कि किस तरह से ये ऑपरेट कर रहा है। और इट इज़ ए सेट ऑफ जीन्स विच इज़ प्रेजेंट इन सम सीक्वेंसेस इन द डीएनए। डीएनए ही तो एक्चुअल में हमारा वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ रेगुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एवरीथिंग इज देयर। डीएनए के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। रेगुलेटरी प्रोटीन भी वही हैं, ट्रांसक्रिप्शनल वाले प्रोटीन भी वही, जीन्स वहीं प्रेजेंट हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो रेगुलेटरी सीक्वेंस क्या है, वो कैसे प्रेजेंट है। एक इंट्रोडक्टरी पार्ट तो मैं आपको बता चुकी हूँ ना, जिसमें इंड्यूसर क्या होता है, रिप्रेसर, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई जस्ट बिफोर दिस इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस लैक्टोज ऑपेरॉन। तो अब हम एक बार देखते हैं किस तरह से वो सीक्वेंस में अरेंज है। तो सबसे पहले अगर हम देना एक सेट ऑफ देखें, एक सेट ऑफ डीएनए क्यूपर किस तरह से ये जीन्स अरेंज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर ए लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ डीएनए, एक कंसीडर करेंगे तो वी विल अगेन सी दैट देयर आर थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स दैट आर अरेंज इन लीनियर मैनर इन दिस ऑपेरॉन, जैसे कि जेड, वाई एंड ए। दे आर स्ट्रक्चरल जीन्स, दे आर स्टिल नॉट वर्किंग, अभी मैं बता रही हूँ ये एक्चुअली दीज आर स्ट्रक्चरल जीन्स और सिस्ट्रॉन्स वी कैन से। एक्चुअल में जो फंक्शनल जीन्स होते हैं दैट वी कैन से दे आर दी सिस्ट्रॉन्स, और फंक्शनल जीन्स दे विल हैव दी इंफॉर्मेशन फॉर दी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, इट विल फॉर्म डिफरेंट सब यूनिट्स, दैट सिंगल मैसेंजर आरएनए विल बी फॉर्मिंग थ्री सब यूनिट्स, और वी कैन से थ्री एंजाइम्स और थ्री पॉलीपेप्टाइड्स और थ्री प्रोटीन्स मोस्ट कॉमनली वी कैन से, ठीक है। एंड दीज थ्री प्रोटीन्स जिनके नाम अभी मैं आपको बताऊंगी, तो वो क्या करती हैं, वो इनकी किसके द्वारा ट्रांसक्राइब होती हैं, जेड वाई ए के पास इंफॉर्मेशन है, वही वो पहले मैसेंजर आरएनए बनाएगा, फिर मैसेंजर आरएनए से वो थ्री सब यूनिट्स बनेंगी। और ये डीएनए के रेगुलेटरी सीक्वेंस में लीनियर ऑर्डर पे अरेंज है, लेकिन इनको सबसे पहले क्या होगा, ऑर्डर मिलेगा, ओनली देन दे विल बी ट्रांसक्राइबिंग। तो ऑर्डर मिलने के लिए व्हाट आर अनदर सेट ऑफ रेगुलेटरी जीन्स दैट वी सी। इन्हीं के साथ ही ना एक सेट जीन का पड़ा है विच वी कैन कॉल इट ऑपरेटर जीन, इसको हम क्या नाम देते हैं, इट इज़ एन ऑपरेटर जीन, दिस इज ऑपरेटर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से स्विच का काम करता है, स्पेसिफिक होता है स्पेसिफिक ऑपरॉन के लिए, और किस तरह से स्पेसिफिक ऑपरेटर के साथ ही एक स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है, वो क्या होता है रिप्रेसर, दैट वी सी राइट नाउ, अब हम देखते हैं। और ये जेड एंड वाई एंड ए दीज आर स्ट्रक्चरल जीन्स, और वी कैन कॉल देम
structural genes and we can call them cistrons. What we call them? Cistrons, and they are giving some expressions to form the messenger RNA, and messenger RNA is in turn forming the polypeptide or the enzymes. अब इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेटर जीन के साथ ही देयर इज सम एसेसिबल साइट. लेट आई ड्रॉ विद सम अनदर पेन सो दैट यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. दिस इज ए प्रोमोटर, प्रोमोटर साइट. एंड व्हाई वी कॉल इट प्रोमोटर? दिस इज द साइट ऑन विच द आरएनए पॉलीमरेज इज एसेसिबल. एसेसिबल मीन्स आरएनए पॉलीमर इज पॉलीमरेज व्हेन एवर इट इज needed to transcribe the structural gene. Messenger RNA की formation के लिए RNA polymerase चाहिए, तो वो क्या करेगा? इस site पर जाकर attach करेगा. ठीक है, जब order मिलेगा यानी कि operator gene switch on करेगा, only then it will be able to reach towards the structural gene and to give them the order so that they can form the messenger RNA and hence enzymes. ठीक है, तो ये हो गया प्रोमोटर जीन. एंड देन आफ्टर दैट वी आर स्टडिंग व्हाट वी कैन से एट इज सम डिस्टेंस वी कैन सी देयर इज ए सम रेगुलेटर जीन दैट इज रिप्रेजेंटेड विद द आई. आई का मीन है इनिबिटर, बट मोस्ट कॉमनली वी कैन से इट इज ए रेगुलेटरी प्रोटीन. एंड हाउ इट इज रेगुलेटरी? इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑल द टाइम. जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोसेस. देयर आर सम सेट ऑफ जीन्स दे आर कॉन्स्टिट्यूटिव एंड देयर आर सम सेट ऑफ जीन्स दे आर नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव. कुछ तो ऑल द टाइम एक्सप्रेस होते हैं, तो इसमें लैक ऑपरॉन में इट इज़ एक्टिंग एज ए कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स. कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोसेस है. एवरी टाइम इट इज सीक्रेटिंग द मैसेंजर आर एन ए. वॉट इज इज फंक्शन? इट इज सीक्रेटिंग द मैसेंजर आर एन ए, सीक्रेट कर रहे हैं. एंड दिस मैसेंजर आर एन ए इज फॉर्मिंग सम ऑफ द रिप्रेसर प्रोटीन, ए सेट ऑफ टेट्रामेरिक प्रोटीन है जिसकी चार पार्ट्स, फोर सब यूनिट्स कह सकते हैं हम. फोर सब यूनिट्स आर देयर. दिस टेट्रामेरिक प्रोटीन विच इज विच वी कॉल दैम रिप्रेसर, उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रेसर बोलते हैं. रिप्रेस करता है किसी फंक्शन को, ठीक है ना. हाउ इट इज रिप्रेसिंग? बिकॉज इट हैज असेसिबिलिटी विद द ऑपरेटर. इसकी कुछ साइट्स हैं वो स्पेसिफिक हैं, मैंने आपको बताया था हर प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक होते हैं. और ये क्या करती हैं? ऑपरेटर के साथ की साइट के साथ ये बाइंड करता है, ठीक है. अब ऑपरेटर का स्विच क्या है? ऑफ है. स्विच ऑफ, दिस इज ए स्विच ऑफ. वाई? बिकॉज रिप्रेसर इज बींग सीक्रेटेड ऑल द टाइम. ऑल द टाइम इट इज सीक्रेटिंग एंड इट हैज इंट्रैक्शन विद द ऑपरेटर जीन टू मेक इट ऑफ. तो इन दिस मैनर दिस रिप्रेसर इज एक्टिंग एज ए रेगुलेटर और इट इज एक्टिंग एज ए नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ द ऑपरॉन. तो ये क्या हो गया? एक नेगेटिव रेगुलेटर का काम कर रहा है, नेगेटिव रेगुलेटर. तो नेगेटिव रेगुलेटर क्यों है? बिकॉज इट इज नॉट ट्रांसक्राइब गिविंग द ऑर्डर सो दैट स्ट्रक्चरल जीएनिक जीन्स की जो फंक्शनिंग है ना वो स्टॉप है. क्यों स्टॉप है? क्योंकि इसके साथ मिलकर वो क्या कर रहा है? इसको स्विच को ऑफ किया हुआ है ऑपरेटर के साथ मिलकर, सो दैट दे आर नॉट स्ट्रक्चरल जीन्स दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दियर फंक्शंस और एक्सप्रेस दियर फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड देन एंजाइम, ठीक है. एंड दिस मैसेंजर आरएनए इज पॉलीसिस्ट्रोनिक. व्हाई इट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक? बिकॉज इट इज फॉर्मिंग द थ्री सेट ऑफ सब यूनिट्स और थ्री एंजाइम्स आर सीक्रेटेड बाय सिंगल मैसेंजर आरएनए एंड दिस सिंगल मैसेंजर आरएनए इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ए सिंगल ऑपरेटर एंड सिंगल रेगुलेटर जीन. दैट इज व्हाई इट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक, ठीक है. ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना, व्हाई इट इज पॉलीसिस्टोनिक. नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली. आपको आपको पता लग गया ना किस तरह से ये पॉलीसिस्टोनिक है. एक सिंगल ऑपरेटर और सिंगल क्या कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन इज रेगुलेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ दीज थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है. जब ये ऑन होंगे, जब इसमें स्विच, जब भी ये स्विच ऑन होगा, कैसे भी होगा अभी बताऊंगी, तो ये फंक्शन करेंगे और सिंगल मैसेंजर आरएनए बनेगा. उस मैसेंजर आरएनए से
थ्री प्रोटीन्स बनेंगे, यानी कि इनका सबसे अलग, सबका अपना अपना अलग से एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो दिस इज ए सेट ऑफ रेगुलेटरी जीन्स, ठीक है, जिसमें दिस इज एक्टिंग एज ए कॉन्स्टिट्यूटिव, जैसे लैक ऑपरॉन इज ई अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल एज नेगेटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव रेगुलेशन भी में भी होता है और नेगेटिव रेगुलेशन में भी है, जैसे कि ये अब कॉन्स्टिट्यूटिव जीन इज सीक्रेटिंग बींग सीक्रेटेड ऑल द टाइम, ये सीक्रेट हो रहा है ना, तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन, हर वक्त सीक्रेट हो रहा है, लेकिन जब ये रेगुलेटर प्रोटीन इसको अटैच होके प्रोसेस को रोक रहा है, देन इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन, तब क्या है, नेगेटिव रेगुलेशन का काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद और भी हम डिटेल देखेंगे कि किस तरह से और पॉजिटिव सम प्रोसेसेस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन, जैसे कि वो सिलेबस में नहीं दिया हुआ, बट वी विल बी लुकिंग इन ब्रीफ दैट प्रोसेस ऑल्सो। बट अभी हम देखते हैं कि ये नेगेटिव रेगुलेशन किस तरह से ये प्रोसेस विल बी स्टार्ट, हाउ इट इज स्टार्ट। अभी ये जब प्रोसेस नहीं हो रहा और वेन एवर देयर इज नो इंड्यूसर इन द एनवायरनमेंट, तब क्या होगा, ये स्विच ऑफ पड़ा है, दैट इज व्हाई इट इज द अंडर द कंट्रोल ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन के कंट्रोल में है। अब हम देखते हैं, इधर ही मैं ड्रॉ कर देती हूँ, अगेन वी ड्रॉ दिस सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में वेन एवर देयर इज एन इंड्यूसर, जब भी एक इंड्यूसर आता है ना, तो इन व्हाट मैनर इट इनएक्टिवेट्स द साइट, कैसे इनएक्टिवेट करता है, दैट वी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी हैव स्टार्टेड फॉर्मिंग दी ड्राइंग दीज स्ट्रक्चरल जीन्स, तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स एक ही साइज के बनाने हैं, तो थोड़ा सा बीच में, वॉट एवर इट इज वी कैन फॉर्म दीज स्ट्रक्चरल जीन्स। इन्हीं के साथ ही ये ऑपरेटर जीन है, ऑपरेटर जीन के साथ ये साइट बाइंड हुई हुई है, वी कैन इंट्रोड्यूस दिस इनटू दिस साइट आल्सो, ये बाइंड हुई हुई है, स्विच ऑफ किया हुआ है। अब ये ऑपरेटर जीन जो है ना यहाँ पे है, और इसी के साथ प्रोमोटर जीन है, ठीक है, और देयर आर एट सम डिस्टेंस वी हैव सीन इनहिबिटर जीन, इनहिबिटर जीन और रेगुलेटर जीन। इन रेगुलेटर जीन ने क्या किया, इट हैज स्टार्टेड मैसेंजर आरएनए, सेम वी आर ड्रॉइंग। अब इसने क्या किया, एक वही प्रोटीन बनाया मैसेंजर आरएनए के बाद, व्हाट अनदर, एक रिप्रेसर बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन जो कि टेट्रामेरिक है। अब साथ में ही अब हमने देखा कि जैसे ये मीडियम में वर्क हो रहा है, इट इज़ ऑकरिंग इन ए कोई भी न्यूट्रिएंट ट्यूब में, ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके अंदर जब हम लैक्टोज डाल देते हैं, व्हाट वी इंट्रोड्यूस, लैक्टोज इज एज एक्टिंग एज ए न्यूट्रिएंट मीडियम। वैसे तो बैक्टीरिया इज प्रेफरिंग दी ग्लूकोज एज कम्पेयर टू लैक्टोज, जब ग्लूकोज होगा ना तो ये लैक ऑपरॉन काम नहीं करेगा, दैट वी विल सी लेटर ऑन, एंड इट इज़ ए पार्ट ऑफ अवर एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, इन प्रेफरेंस ऑफ ग्लूकोज, मतलब आई मीन टू से इफ़ देयर इज ग्लूकोज नॉट प्रेजेंट इन, ओनली देन लैक्टोज विल बी डाइजेस्टिव, इफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट देन ई कोलाई विल नॉट टेक दी लैक्टोज। और एक्चुअल में लैक्टोज इज ए डाइसेकराइड एंड इट इज कन्वर्टिंग इन टू, जब भी इसकी डाइजेशन होगी तो ग्लूकोज एंड लैक्टोज में ही चेंज होगा, ग्लूकोज में एंड लैक्टोज में, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो किसके द्वारा होगा, बाय दी एंजाइम्स ही डाइजेस्ट करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि लैक्टोज इज एक्टिंग एज ए इंड्यूसर, जब भी हमने मीडियम में लैक्टोज डाल दिया, ठीक है। अब ये सारा वर्क तो ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना इनकी रेगुलेटरी जीन्स की स्टडी के लिए, जब ये लैक्टोज डालेंगे तो वी कैन सिंपली कॉल इट लैक्टोज विल अटैच्ड टू दिस, ये लैक्टोज के जो मॉलिक्यूल है ना, दे विल अटैच टू दिस रिप्रेसर, दे हैव हाई एफिनिटी फॉर द रिप्रेसर, और वी कैन से रिप्रेसर हैज़ हाई एफिनिटी फॉर द लैक्टोज, बट वेन एवर देयर इज नो ग्लूकोज इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये लैक्टोज क्या करेगा, रिप्रेसर के साथ मिलकर, वॉट इट इज फॉर्मिंग, रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स, दिस टाइम वॉट विल इट फॉर्म, रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स।
अब ये इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बन गया ना, जिसमें लैक्टोज जुड़ गया रिप्रेसर के साथ, और रिप्रेसर की जो बाइंडिंग साइट थी ना ऑपरेटर के साथ, उसको इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, खुद जुड़ गया और उसकी जो बाइंडिंग साइट थी ऑपरेटर के साथ, जैसे ये हमने ऑपरेटर बनाया हुआ था ना, एंड दिस इज़ ए प्रोमोटर, प्रोमोटर बनाया। तो जब यहाँ पे इसकी एफिनिटी इसके साथ क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, तो कनेक्शन टूट जाएगा। कनेक्शन टूट गया क्योंकि लैक्टोज आ गया, लैक्टोज ने किसके साथ ज्वाइन कर लिया, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, रिप्रेसर को डीएक्टिवेट कर दिया, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, और वो रिप्रेसर वो इज़ नॉट एबल टू कनेक्ट विद ऑपरेटर एट दिस टाइम। ठीक है, इस टाइम ऑपरेटर के साथ जो ज्वाइन नहीं कर सकेगा। एंड वन मोर थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टोज इज ऑलवेज शुड ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द ईकोलाई, थोड़ा सा होना चाहिए ईकोलाई के अंदर, ताकि और लैक्टोज एज ए स्टूमुलेंट, वो अंदर वाला जो लैक्टोज होता है ना, एज ए स्टूमुलेंट काम कर सके। लैक्टोज और एलो लैक्टोज बोथ आर एक ही फॉर्म है इनकी, आइसोमेरिक फॉर्म ही कहलाई जाती हैं। लैक्टोज सबसे पहले एलो लैक्टोज में चेंज होता है, फिर उसमें डाइजेशन स्टार्ट होता है, वर्किंग जो भी होती है अभी हम देखते हैं, देन दे आर कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो अभी हमने देखा कि लैक्टोज, व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टोज शुड बी देयर इन ई कोलाई में होनी चाहिए, सो एक्ट एज ए स्टूमुलेंट का काम करता है। ठीक है, अब ये एक तरह से इंड्यूसर हो गया ना, तो ये इंड्यूसिंग सिस्टम है। दिस रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंड्यूसिबल सिस्टम, कि वेन एवर समथिंग इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द ओनली देन द सिस्टम विल स्टार्ट वर्किंग, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। तो इस तरह से ये इंड्यूसर कौन सा काम कौन कर रहा है, लैक्टोज इज एक्टिंग एज ए इंड्यूसर, इसने स्विच काट दिया किसका, ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर का। अब रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो गया, स्विच ऑन हो गया। अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इट विल कम, अब ये आएगा ना आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इट विल मेक इट असेसिबिलिटी टूवर्ड्स दिस, प्रमोटर साइट से जुड़ेगा। ठीक है, अपनी अटैचमेंट साइट देखेगा, सो दैट इट कैन ट्रांसक्राइब, किसको ऑर्डर कर सके ट्रांसक्रिप्शन, जेड एंड वाई, एंड इसको भी मैं रब कर रही हूँ, अब तो आपको पता लग गया होगा। तो जेड वाई एंड ए, जेड वाई ए, जेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रीशन ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इज एन एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज इंटू द ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ठीक है, ये दोनों मोनोसेकराइड हैं, सबसे पहले ये डाई था, इसको एक में ब्रेक हो गया, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। ठीक है, अगर ये ग्लूकोज मीडियम में है तो लैक्टोज विल नॉट बी डाइजेस्टेड, ये हमने बताना है। ग्लूकोज इज ए प्रेफर्ड सबस्ट्रेट फॉर द ईकोलाई बैक्टीरिया, क्योंकि ऑलरेडी सिंप्लीफाई होता है ना, फर्दर उसको डाइजेस्ट करना ईजी होता है। ठीक है, तो ये हमने ध्यान में रखना है कि वेन एवर दे आर, बट देयर इज ए लो लेवल ऑफ लैक्टोज देन हाई लेवल ऑफ लैक्टोज देन व्हाट कैन हैपन, ग्लूकोज की एब्सेंस में लैक्टोज विल बी द प्रेफर्ड सोर्स फॉर द ईकोलाई बैक्टीरिया, और ये इसकी लैक्टोज की जो प्रेफर्ड कंडीशन है दैट इज ऑल्सो एसोशिएटेड विद सम अनदर सेट ऑफ जीन्स। कब होगी प्रेफरेंस, वो अब हम अभी थोड़ा सा डिटेल में बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का फंक्शन देखा, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट वाई का फंक्शन क्या होगा, परमिएज, ग्लैक्टोसाइड परमिएज, इट विल अलाउ द एंट्री ऑफ लैक्टोज इनटू द सेल, ईकोलाई के अंदर लैक्टोज की एंट्री करवाएगा। ठीक है, और थोड़ी सी लैक्टोज होनी चाहिए ईकोलाई के अंदर, विच विल बी एक्टिंग एज ए स्टूमुलेंट फॉर द एंट्री ऑफ द एंजाइम परमिएज, सो दैट इट इज़ अलाउइंग द एंट्री ऑफ मोर लैक्टोज, और भी लैक्टोज की करे एंट्री। ए इज मेंट फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन विद इन द सेल, बट इट्स वर्क इज़ नॉट क्लियर। ठीक है, इसका वर्क क्लियर नहीं है। और ये तीनों एंजाइम कैसे हुए, स्टार्ट बाय द एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल मैसेंजर आरएनए, पॉलीमरेज ने एक ही मैसेंजर आरएनए बनाया विच इज़ ए पॉलीसिस्ट्रोनिक, क्या है, पॉलीसिस्ट्रोनिक है वो मैसेंजर आरएनए। ठीक है, एंड इट इज़ एबल टू ट्रांसक्राइब ऑल दिस थ्री एंजाइम्स। ठीक है, थ्री सब यूनिट्स,
वी कैन से, ठीक है. एंड ऑल दिस दे आर ट्रांसक्राइबिंग विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल मैसेंजर आरएनए. दैट इज व्हाई इट इज अ पॉलीसिस्टोनिक इन नेचर एंड इट इज द अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंगल ऑपरेटर एंड सिंगल रेगुलेटर और रिप्रेसर प्रोटीन. एंड दे आर स्पेसिफिक फॉर द लैक्टोज एपरॉन एंड फॉर ईच एपरॉन ऑपेरॉन ऑल दर आर स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रेगुलेटर. दिस थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड. एंड दिस रेगुलेटरी प्रोटीन इज रेगुलेटिंग जीन इज कॉन्स्टिट्यूटिव. दिस वी हैव टू कीप इन माइंड बिकॉज इट इज एक्सप्रेसिंग ऑल द टाइम. दैट इज वाई इट इज अंडर द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन. दिस इज पॉजिटिव. ऑल दीज थिंग्स आर नॉट मैंशनड इन अवर बुक बट दे आर डेफिनेटली दे आर coming, they have come in a very confusing manner because in NCRT it has written in the that lac operon is under the process of negative regulation. वो तो बिल्कुल सही है क्योंकि negative regulation हो रही है इसके द्वारा. लेकिन ये जो repressor protein है, regulator जो gene है ना, वो positive है क्योंकि वो repressor को all the time secret कर रहा है. ठीक है, clear हो गया ना ये सब. वो तो secret कर ही रहा है, that is वो under the, that is why the it is under the positive regulation. clear. तो इस तरह से we can say lactose की जो वर्किंग है, इट इज बीइंग ऑपरेटेड, इट इज बीइंग आई थिंक कैमरा वॉज स्टॉप्ड. तो वंस अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दिस कॉन्स्टिट्यूटिव रेगुलेटर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव बिकॉज इट इज सीक्रेटिंग द रिप्रेसर प्रोटीन ऑल द टाइम. एंड देयर आर स्पेसिफिक रिप्रेसर, स्पेसिफिक ऑपरेटर फॉर ईच ऑपरॉन. जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं, इन सब के स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रेगुलेटर हैं टू कंट्रोल देयर प्रोसेस. एंड मेजर ऑन कॉमन बेसिस इट दिस लैक ऑपरॉन, लैक्टोज ऑपरॉन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन बिकॉज इट इज नॉट एबल टू सीक्रेट बिकॉज ऑपरेटर इज बींग स्विच्ड ऑफ during and it has to be switched on. And how it is switched on? By the induction induction of the lactose. What are various conditions during which this lactose is being preferred by the E. coli? वो कौन सी conditions हैं वो एक बार हम देख लेते हैं. Although they are not mentioned but I think these things should be clear. उनका एक सेंटेंस तो दिया हुआ है कि लैक्टोज के बजाय ग्लूकोज को प्रेफर किया जाता है, लैक्टोज को नहीं किया जाता. और ये भी दिया हुआ है लैक्टोज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस ऑपरॉन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रेगुलेशन. वो पॉजिटिव रेगुलेशन क्या है? नेगेटिव तो हमने देख ली, तो अब हम देखते हैं किस तरह से ये पॉजिटिव वे में काम करेगा.